गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय चैनल रितन मई व्लॉग्स। तो आप देख रहे होंगे मैंने बिंदी क्यों लगाई हाँ है। तो भी आज मेरा वैसे ही मन केयर कर गया ना, हाथ धो के ना क्रीम लगा के मैंने बिंदी लगा ली। उस पर लगी थी भाई ड्रेसिंग टेबल पे, तो वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, कहीं मैरिज वगैरह में जाना होता है ना तभी लगाती हूँ। और आज भाई सुबह सुबह उठ के मैंने कान्हा जी को नहलाया। आज मैंने नहीं नहलाया, मैंने नहलाया कान्हा जी को और मैंने नहा लिया है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, किचन अभी सारी पड़ी है भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है किचन में। तो मैंने सोचा भाई व्लॉग शुरू कर लेते हैं आज। और वही भाई सर्दी के कपड़े। मैंने ना आवाज़ कम कर बेटे, आवाज़ कम करो। तो ये देखो धूप मेरी किचन में भी कितनी अच्छी आती है, ये देखो हेलो। मतलब नीचे तक आ रही है धूप। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखो धूप के नज़ारे, वाह कितने अच्छे आ रहे हैं ना। तो ऐसी धूप आती है मेरी किचन में। और ये देखो काम वगैरह मेरा सारा पड़ा है, सिंक मेरी बर्तन, क्योंकि अभी बस जस्ट ब्रेकफास्ट किया, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और मैंने सोचा भी थोड़ी देर रिलैक्स बैठी, फ़ोन वगैरह देखा, और चलते हैं उस रूम में। भाई मेरा मनन क्या कर रहा है? हेलो मनी, मनन बाय। अच्छा। तो भाई मनन की ओर रखे हैं, अब एग्ज़ाम आज ख़त्म हुए हैं भाई मनन के। तो अब इसने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है और टीवी देख रहा है थोड़ी देर। तो बस अब लगेंगे रूटीन के कामों में भाई। कल फिर सर्दी के कपड़े धोए थे मैंने, बहुत सारी जैकेट्स वगैरह, तो उनको भी रखना भाई। एक दिन तो मैं इकट्ठा ही अब बेड खोलूँगी, बस उस दिन अच्छी तरह जमाऊँगी सारे, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे से ना खुलता है और बच्चा साथ में होता है। तो हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होएगी ना भाई, उस दिन वो करूँगी, ठीक है। और बेडशीट भी उस दिन मैंने खोल के नहीं दिखाई थी आपको, तो आज कोशिश करूँगी मैं खोल के दिखा दूँ बेडशीट, ठीक है। और बिछा के दिखाऊँगी सारे पिल्लो कवर अच्छे से। तो चलो व्लॉग की करते हैं शुरुआत, और बेडशीट बिछा के दिखाती हूँ। और मेरे कान्हा जी वो बैठे हैं भाई लड्डू गोपाल। तो चलो भाई करते हैं सारे घर के काम, फिर आपसे मिलते हैं। ओके माँ क्या कारनामे कर रहे हो? भाई, तो वही काम हो गया सारा आज, और गर्मी आ गई है, और ये जो सर व्लॉग बना रहा है ना, ये इसके कारण आ गया। मेरे को बोलता शेक बना दो, और बोलता है मम्मा आप क्या कर रहे हो, हैं देखो कैसे पागल बनाते हैं ना बच्चे कौन माँ सा बाप शेक का। बना रहे हो? तो वही सारी चीज का मिक्स ही कर रही हूँ, ये अरे मैं सबसे चॉकलेट बोल रहा है। बनाना शेक नहीं पीना। नहीं मैंने कहा बोल रहा है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ चॉकलेट से चॉकलेट से तूने कहा चॉकलेट। चॉकलेट चिप्स डाल देना उसमें, मुझे तो लगा चॉकलेट चिप्स डालने उसमें। वाह तो बनाना ये शेक, वेरी गुड, तो वाह बनाना ये शेक चॉकलेट चिप्स, और साथ में लूंगी मैं भाई हर्शीज। कहाँ गया अरे है तो नीचे है देखो, इसमें, ये होगा मतलब सब कुछ देख के जा रहा है। तो ये तो अभी भी हम, प्लानिंग करके जा रखा पूरी। ये अभी हमने खोला भी नहीं है। तो हर्षे सिरप, और साथ में हो गया दूध, देखो दीज ठीक है सारा कुछ रेडी हो गया। सारे कुछ रेडी। अब मैं डाल लेती हूँ चीनी, चीनी थोड़ी डलेगी और चीनी डलेगी नहीं, चीनी थोड़ी। तो बहुत सारी जल्दी डलेगी इसमें हाँ चॉकलेट शेक में। तो ये लेते हैं वही शुगर, शुगर तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट, ठीक है शेक के। और अब इसको एक एक करके डालती हूँ पहले मैं, ठीक है। पहले तो मैं डालती हूँ चोको चिप्स, ये हम लेके आए थे भी, पता नहीं मटन की कुछ रेसिपी वगैरह बहुत थी है ना, मुश्किल से मिले थे, पता नहीं हिले मत। सच में बहुत मुश्किल से मिले थे। और तो इसको खोलते हैं, मैं खिलता हूँ। तो 3-4 साल बीत गए तो अभी तक इनसे ये नहीं खिल रहा। मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया जैसे है ना, तो भी ये खोल दिया मैंने, ऐसे खुलता है। इसके वाओ अंदर अच्छा कुछ है भी है, देखो ये है। बंद आपको है, पहले इसको खोलना पड़ेगा ना, ये इतना देखो भरोसा नहीं, चक्कू दे। स्मार्ट हो रहे हो। अब इसका कत्ल कर दो लो। ये रे, तो भाई पहले हमारा तो बॉक्स ही नहीं खुल रहा है, हर्षे वाला कुछ नहीं होता ना, यो गया, तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है इसी में से निकल जाएगा। तो ये मैंने लिया अभी चोको चिप्स, ठीक है इतनी ली है, तो सबसे पहले ये इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। अरे ऊपर से भी डलती है थोड़ी बहुत ही चाकू चीनी चिप्स, मैं भाई थोड़ी डालूंगी, दो ज्यादा नहीं, क्योंकि चम्मच हर्षे सिरप में भी मीठा है और वो भी, ठीक है।
और हर्षे सिरप ही मैं अंदाजे से डालूंगी। ओ ये मजे आ लिया गए। चॉकलेट, बहुत हो गया है ना। ठीक है, बहुत है। यस कोई आया कोई आया। नहीं हमारे घर का नहीं था। तो भाई अब इस बॉक्स को पहले मैं ग्राइंड कर देती हूँ, जब सारी चॉकलेट है ना वो मेल्ट होके अच्छे से पिघल जाएगी। पिघल तो पिघली तो हुई है वैसे, मतलब मिक्स हो जाएगी। उसके बाद से दूध डालूंगी और फिर आज कुछ डिजाइनिंग करते हैं अभी कप की, देखते हैं हमसे होगी या नहीं होगी, है ना बनी। कौन से शीशे वाले कम में आएगी डिजाइनिंग और तो? वही जो न्यू मिक्सी लेके आए ना वो अभी हमने लगाई नहीं है। ठीक है, अभी उसको लगाना है, वैसे तो उसी में बनाना था आज, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अब इसको करते हैं ग्राइंड एक बार। उसके बाद मिलते हैं मम्मी, तो क्योंकि शोर रहेगा ना थोड़ा। ठीक है तो ये भी और मैंने दूध डाल लिया है, अब इसको मैं दोबारा से एक ग्राइंड एक बार चला देती हूँ इसको, मिक्सी को। हमारी मिक्सी हो चुकी है अभी खराब, बार बार झटके देती तो इसको भी हम चेंज करें। तो ये बन गया शेक हमारा, अब इसकी वाह कुछ भाई आज डिजाइनिंग करते हैं। ओके, शेक की तो इसी को करते हैं यार कम तैयार। क्यों लग रहा है शेख? कम की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग के लिए इसको भाई वो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जो इसका होल है ना वो बीच में वो होता है, तो इसको निकाल ही देती हूँ मैं। जो सारा रैपर है ना ये चॉकलेट वाले का इसका, तो अब देखते हैं ये ठीक से बंद होगा या फिर दोबारा बीच में अड़ेगा, है ना। हो गया, तो इसको करके देखती हूँ। मैंने आज तक डिजाइनिंग की नहीं है भाई, सच वो बताऊँ। साइड साइड में कुछ पता नहीं क्या करते हैं। हाँ है ना, दिखाने जरा। बाकी मेरे को इतनी आती नहीं है। चलो चलो ऐसी होती हो। ठीक है, यस होगी डिजाइनिंग। अभी ये बच्चा है। तो ये हो गया, हाँ अब इसको रखते हैं अंदर। अब आपको दिख रहा होगा ये कप के आर पार, ये देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें डालेंगे हम शेक, शेक देखते हैं क्या चॉकलेट शेक। आएगा। क्या क्या हे होएगा, भगवान क्या क्या होएगा है। तो ये देखो भाई, अब ये गया शेक इसके अंदर। अंदर। ओ अरे मुझे यही वो था ना कि ठीक मतलब है, जैसे ये इधर उधर फैल से नहीं और आता। कैसा लग रहा बहुत अच्छा। है ना। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चकोस चौकस, ये देखो ये तो अंदर गई। ठीक डूबगी बेचारी। है, तो ये था आज हमारा रेसिपी। मैंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है आज। मैंने आइडिया दिया और ये जिसको भी ऑर्डर करना है वो मेरे से संपर्क करे, कमेंट में लिख दे कि रितु मैम ये शेक हमें चाहिए। तो वही सिंपल सा शेक है, मनन ने बोला तो मैंने बना दिया। यस मेरा हाँ ये आइडिया। पड़े थे मेरे पास तो मैंने कुछ क्रिएटिविटी कर दी है इसकी। ठीक है, देखो वो ऊपर दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये देखो। ठीक है, वैसे इसको ना थोड़ी देर, क्या होता है एक मिनट, इसको क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ी देर के लिए ना फ्रीजर में रखना होता है। तो ये जो सारी जो चॉकलेट की वो है ना मेल्टिंग, ये पूरी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो चलो मरन को दे देती हूँ शेक, और मैं थोड़ा सा, मेरा भी बचा है मैं पी लेती हूँ। तो चलो भाई, और काम वगैरह सारा हो चुका है हमारा। आपको शेक की रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई ब्लॉग को कर देते हैं एंड। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे भाई। और मनन देख रहा है कंटिन्यूसली टीवी, इसके एग्जाम खत्म हो गए हैं तो बस ये फ्री है अब, और ऐसे ही बैठा हुआ है। मैं थोड़ी देर सोई थी तो चलो इसको शेक दे देती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे भाई, तो तब तक के लिए सभी को भाई मेरी तरफ से राधे राधे।